अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और कुछ टेस्टी बना के खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल स्प्रॉट से एक बेहतरीन नाश्ता, जिसे आप स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है और बनने में भी काफ़ी समय नहीं लगता। सारे सिंपल मसालों के साथ आप इसे फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें एक कप मूंग दाल स्प्रॉट चाहिए। तो इसे बनाना बहुत आसान है। आप मूंग दाल को 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो लीजिए। पानी छानने के बाद इस तरह के जाली में आप इसे फैला लीजिए और ऊपर से एक कॉटन का गीला कपड़ा रख दीजिए। आप अगर इसे ओवरनाइट रख देते हैं तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो बहुत आसान है इसे स्प्रॉट करना। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। आधा कप मूंग दाल से 1 कप स्प्रॉटेड मूंग दाल तैयार हो जाता है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए पैन में ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून तेल, और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए। तो जैसे ही जीरा तेल में चटक जाए तब हम इसे बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 कली लहसुन ले लिया मैंने, जिसे फाइनली चॉप कर लीजिए, ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 1/2 इंच टुकड़ा अदरक को भी फाइनली चॉप कर लिया मैंने, इसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड किया है मैंने 2 हरी मिर्च, इसे रफली चॉप कर लिया है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। सबको अच्छी तरह से तब तक भूना है जब तक कि लहसुन का कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो यहाँ पे इसे मिक्स करते हुए भून लीजिए इस तरह से, और जैसे ये भून जाएगा तब हम इसमें मूंग दाल स्प्रॉट ऐड कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनती है और फटाफट बन जाती है। तो इसे ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए 1 पिंच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी भी गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही पूरी कुकिंग होगी। तो यहाँ पे इसे मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, कवर हटा के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, हल्का सा पक गया है ये। तो अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट ऐड कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मसाले की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी है मैंने, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसे मिला लिया मैंने। अब इसे कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसमें एडिशनल कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने रोस्टेड कैशू और 2 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली। तो दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है, आप चाहें तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी होगा। तो अगर आपको फ्राइड पसंद हो तो दोनों को फ्राई कर लीजिए फिर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में, और बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो जब ये पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंट लगे तब आप समझ जाइए कि अच्छी तरह से पक चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये देखिए तो काफ़ी बेहतरीन ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले इसमें ऐड कीजिए नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू का रस ले लिया है, इसे स्क्वीज कर देते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जब आपने सर्व करना हो तभी इसमें नींबू का रस ऐड कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी उसका फ्लेवर कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मिला लिया है सबको। नींबू के रस को मिलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ काजू और मूंगफली के दाने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये सर्व करनी है, नहीं तो मूंगफली और काजू के दाने सौगी होने लगते हैं, उनका क्रंचीनेस चला जाता है। तो इसके लिए जब आपने सर्व करना हो उससे पहले ही आप ये तीनों चीज़ें मिलाइए, और मिक्स करने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। कम मसालों के साथ ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो मस्ट ट्राइड रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं, ये कभी भी बना के खाया जा सकता है। बहुत ही लाजवाब बनती है ये रेसिपी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।